घोसी का उपचुनाव, घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किस तरीके की तस्वीर बदली आपने ये भी देखी, लेकिन जनता जनार्दन सबसे मजबूत माना जाता है, जनता है तो लोकतंत्र है। तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए रात का समय हो चुका है, जनता अपने घर से निकलती है घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेश लाल दास। सुरेश जी चुनाव नजदीक है, जनता का वोट ही सबसे जरूरी रहता है, इस बार कैसे देखते हैं, क्या क्या समस्या 9 सालों में देखी और क्या क्या अच्छा आपने काम देखा? देखिए भाई साहब, हमारा तो काम अच्छा है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी के जो हाथ पांव हैं वो ठीक से काम नहीं करते, जमीन स्तर पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है जो वो सही से ध्यान नहीं देते हैं, नीचे स्तर का जमीन स्तर का जो है, जो पब्लिक को क्या कठिनाई है, क्या चुनाव समस्या है या फिर समाधान, या फिर जनता का विधान, या फिर जनता की समस्याओं का निदान, या फिर संविधान। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं लगातार पार्टियों के बीच बहस शुरू हो जाती है, नया संसद भवन जो है शुरू होता है, वहां पर कार्यवाही शुरू होती है, तो रमेश भिदुड़ी जैसे नेता क्या कुछ बोल जाते हैं ये भी आपने देखा। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और उन मुद्दों को जो है विपक्ष ने गलत ठहरा दिया, ये कह दिया कि मणिपुर के मुद्दे पर आपको बात करनी चाहिए थी। यानी कि आप देखा जाए तो इन 5 से 6 महीनों में इस तरीके की तस्वीर सामने आई है जिसने जनता का रुख तो बदल दिया होगा। जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2024 नजदीक है और 2024 में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू होने वाली है, इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल तमाम राज्यों में पहुंच रहे हैं और इन राज्यों में पहुंचने के बाद बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। आपने देखा घोसी का उपचुनाव, घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किस तरीके की तस्वीर बदली आपने ये भी देखी, लेकिन जनता जनार्दन सबसे मजबूत माना जाता है, जनता है तो लोकतंत्र है। तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए रात का समय हो चुका है, जनता अपने घर से निकलती है घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेश लाल। चुनाव नजदीक है, जनता का वोट ही सबसे जरूरी रहता है, इस बार कैसे देखते हैं, क्या क्या समस्या 9 सालों में देखी और क्या क्या अच्छा आपने काम देखा? देखिए भाई साहब, हमारा तो काम अच्छा है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी के जो हाथ पांव हैं वो ठीक से काम नहीं करते, जमीन स्तर पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है जो वो सही से ध्यान नहीं देते हैं, नीचे स्तर का जमीन स्तर का जो है, जो पब्लिक को क्या कठिनाई है, क्या उसको दिक्कत है, कोई चीज का कमी तो नहीं है, राशन कार्ड या बना है या वोटर कार्ड जो है तो नाम क्यों कट गया, ये सब चीज जो है उनके कार्यकर्ता नहीं करते हैं, है ना। खास करके किराएदार को बहुत दिक्कत है, जो कि बिजली बिल नहीं देते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं कट जाता। मेरा नाम कट गया है भाई, मैं 25 साल से रह रहा हूँ लेकिन मेरा नाम कट गया, लेकिन वोटर लिस्ट पर नाम नहीं चढ़ा है, जबकि मैं स्वयं क्या बताऊं। मैं आप दिल्ली से हैं, आप किस राज्य से हैं? हम बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। आपका नाम कहां से कट गया है? दिल्ली से। अच्छा अच्छा, हां दिल्ली में आपने वोट डाले? कई एक बार डाला हूं, एक बार नहीं कई एक बार, अभी भी वोटर कार्ड है पुराना। हां अब गठबंधन हो चुका है सर, केजरीवाल जी तो अब राहुल गांधी के साथ आ गए हैं। देखिए दिल्ली के जो काम है तो केजरीवाल का कार्यकर्ता बढ़िया करता है। हां जी, जमीनी स्तर पर, जमीन स्तर पर उनका काम सही है, ऐसे देश का स्तर पर हमारे मोदी जी ठीक है। सर आप क्या सोचते हैं, आपका नाम क्या है? मनीष मेरा नाम है। सर चुनाव नजदीक है, आप युवा नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव का क्या नजरिया होने वाला है, क्या दृश्य होने वाला है इस बार? चुनाव तो मोदी जी जीतेंगे, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मोदी जी काम पसंद है आपको? सारे ही काम पसंद है। मोदी जी के काम बढ़िया हो रहा है, इतना गहरा गड्ढा है, धीरे धीरे ये भरेगा ना। इंडिया अलायंस को लेकर आपके क्या विचार हैं? सारी 26 विपक्ष की पार्टी एक साथ आ, देखो वो 26 की 26 उन्हें और भी आ जाए ना, 52 हो जाए, जब भी कुछ नहीं होता। आज लिख लो ये बात, होता कुछ भी नहीं है, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये भ्रम ना पाले कि मोदी जी आएंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरूर आएंगे, मोदी जी आएंगे जरूर आएंगे। इनका कहना है, ये जनता की अपनी राय है, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। वो क्या सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल चौहान, एडवोकेट है। चौहान जी मोदी जी आएंगे जरूर आएंगे, आपने अभी सुना, क्या लगता है?
बिल्कुल 100% आएंगे। उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए हैं कि उनको आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अनगिनत काम किए हैं भाई साहब, अनगिनत काम किए। हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं हमारे यूपी में बहुत शांति का माहौल है। आतंकवाद, रॉबरी, रोड किडनैपिंग सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, लोग शांति के साथ जीवन जी रहे हैं अपना, हर लोग खुशहाल हैं। यूपी तरक्की कर रहा है, मोदी जी हैं सेंटर में मोदी जी के होने से पूरा इंडिया तरक्की कर रहा है। गठबंधन अभी हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? गठबंधन होने दो, गठबंधन तो होता ही है, इधर एक राजनीति का पार्ट है। गठबंधन होने से भी मोदी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए हैं। जब से मोदी जी आए उन्होंने 370 हटा दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया है। जहाँ भी नाम मोदी जी का आता है वहाँ से ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। मोदी सर आप कुछ कहना, 19 में गठबंधन हुआ था तो 300 से पार हुआ था, इस बार और गठबंधन बढ़ के हुआ था और आगे बढ़ेगा। अच्छा जी, महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुसुम सिंह। कैसे देखती हैं आप महिला हैं और महिलाओं के लिए अभी आरक्षण जो है 33% पास भी, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए काम किया सरकार? बहुत अच्छा कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। और हम तो ये कहेंगे इस बार फिर जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, चाहे गठबंधन हो जाए मोदी जी का कमल खिलेगा। महिलाओं का जो विश्वास है वो भाजपा की तरफ। हाँ, आपको क्या लगता है ये जो बोल रहे हैं सही है? हाँ जी, सहमत हैं इससे? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर महिलाओं ने भी अपनी बात को रखा और ये बताया कि कीचड़ जैसे कमल खिलता है मोदी जी का भी कमल खिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जमीनी स्तर पर जब उतरते हैं तो पता चलता है कि मोदी जी के लिए और तमाम पार्टियों के लिए लोग क्या सोचते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि आखिर 24 के चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है और 2024 में क्या इस बार जो है तख्ता पलट हो पाएगा। क्योंकि गठबंधन का जो इशारा है वो यही कह रहा है कि 24 में इस बार भाजपा सरकार को जो है हटा देंगे। लेकिन आपने भी जितने लोगों को सुना उनका यही कहना है कि भाजपा सरकार ने काम अच्छा किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने सुना, इनसे जाने सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? तो कुछ लोग बोल भी नहीं रहे हैं, ये बड़ी समस्या है भारत देश के लोगों की कि जब जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो बोलना नहीं होता है। वैसे पर्दा के पीछे कितनी गालियां सरकार को दी जाती हैं वो आपने सुना है, सरकार ये नहीं करती है, सरकार वह नहीं करती है। तो अब हम ये देखेंगे, अभी हम ये समझेंगे कि जनता का मूड क्या है 2024 के इलेक्शंस को लेकर। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात का माहौल है और तमाम लोग जो है घर से निकले होंगे जो है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। शादी भी जो है स्टार्ट होने वाली है, शादी का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भाई खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? गौरव। और आप कहाँ से आए घूमने के लिए? दिलसाद गार्डन से। दिल्ली में ही रहते हो? हाँ। अभी एक अलायंस हो गया है, चुनाव नजदीक है 24 के, आप कैसे देखते हैं कि युवा के ना आते चुनाव? किस किस के इसमें अलायंस होगा? अभी 26 विपक्ष की पार्टियां एक साथ आ गई हैं, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, बढ़िया। तो अलायंस किसको देखेंगे आप, किसको वोट करेंगे इस बार 24 में? अच्छा वोट, मेरा वोटर आईडी कार्ड यहाँ का है नहीं, यहाँ किसको देंगे? देश का ही तो होगा। अच्छा देश का, हाँ वहाँ जहाँ पर जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है अभी अलायंस के बारे में कि अलायंस किन पार्टियों के बीच हुआ, ये भी समस्या है। जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कई बार कि वोट किसको डाला जाए। देखिए बहुत तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो सर देखो ये टिक्की बन रही है पानी की। सर क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी कैसे, यूपी से कहाँ से? एमपी। मध्य प्रदेश कहाँ से? मध्य प्रदेश में कहाँ से? भिंड मुरैना ग्वालियर के पास जो। अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान कोशिश कर रहे हैं, कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? सर मुझे पता नहीं, इधर पूछ ले बात को, कोई पता नहीं है। देखिए यहाँ पर बातें अगर की जाए तो ये बड़ी समस्या है देश की कि तमाम राज्य में जो है चुनाव नज़दीक है, 5 राज्यों में चुनाव है और उन चुनावों के बीच तगड़ी भिड़ंत भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या है कि सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे और ये तय करेंगे कि 24 के पहले पहले जनता का रुख क्या रहेगा और जनता जो है किसको इस बार वोट करने वाली है।